नमस्कार। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक युवाओं की बाइक रैली हुई है और उस रैली की सफलता, आइए कपिल जी आप भी आइए, आज की बाइक रैली इतनी शानदार रही है जिसमें हजारों युवा भाजपा के झंडे थामे हुए, जो युवाओं में भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे वो CAA के ऊपर हो या फिर वो JNU में हुई हिंसा के ऊपर हो या फिर अन्य प्रकार की जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर दिल्ली का युवा उन भ्रम के विरोध में और CAA के समर्थन में जो आया है, उसका हम सब ने एक नजारा देखा है थ्रू दिल्ली की मीडिया, अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को भी और थ्रू प्रिंट मीडिया। हम इस पे बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हालांकि वो रैली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित नहीं थी, हमने आपको पीसी करके बताया भी था कि वो दिल्ली के युवाओं ने ही हमें उसमें सिर्फ इनवाइट किया था कि हम CAA के समर्थन में और जो भ्रम हो रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है युवाओं में, उसके विरोध में हम BJP के साथ हैं और दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ही खुशहाल दिल्ली बना सकती है। दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी बाइक रैली भी आज कुछ लोगों ने इसको कहा, अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हम भी पीछे के रिकॉर्ड खंगालेंगे। और इस रैली में जितने युवा शामिल हुए हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और जो सड़कों के किनारे खड़े लोग, जिन लोगों ने अपने समर्थन में थम्स दिखा रहे थे, हाथे हिला रहे थे, उनका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इस रैली में मैं स्वयं एक बाइक चला रहा था, हेलमेट पहन के चला रहा था। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूं और रेड लाइट का भी हमने सम्मान किया, हमने पूरी नियमों का पालन करते हुए, और हमारी गाड़ी पे हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नेता BJP के विजय गोयल जी बैठे थे, उन्होंने भी हेलमेट पहना था। तो इस रैली में जितने लोग शामिल हुए, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम एक दूसरे बिंदु की बात करेंगे जो आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि केजरीवाल जी के पास बताने के लिए अपनी सरकार का कोई भी काम नहीं बचा है। वो एक तरफ तो कहते हैं कि काम के आधार पे जनता निर्णय देगी 2020 के विधानसभा चुनाव का, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने काम का कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, हमेशा उससे कन्नी काट रहे हैं। उनके पास दिल्ली की जनता के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये बातें मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं, जिसको आगे मैं एक दो लाइन में समझाऊंगा। आज 5 साल बाद भी वो अपनी सरकार के बारे में बात करने की बजाय कहीं अन्य प्रदेश की बात करते हैं, कहीं अन्य डिपार्टमेंट की बात करते हैं और अपने सवालों, जनता के सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता के समक्ष इस एटीट्यूड को, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम गलियों में भी हैं और हम यहां से भी लोगों को समझा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवाल जो जनता के हैं, वो हम सिर्फ बातों से नहीं, हम जनता के सवाल और जो दिल्ली की कुछ सच्चाई है, एक बार आपको एक नजर दिखाना चाहते हैं। आप इस पे देखे होंगे, ये हमने अलग अलग लोगों के ट्वीट्स दिखाए हैं जो अपने गलियों की टूटी हुई सड़कों का, गंदे पानी से भरी हुई सड़कों का, जलजलाती सड़कों का
और दिल्ली की अलग अलग समस्याओं ने जो अरविंद केजरीवाल जी से जनता ने पूछा, ये कोई बीजेपी का हमारा कोई साथी नहीं ट्वीट किया है, ये जनता ने सब ट्वीट किए हैं, और इन सवालों का कोई भी जवाब अरविंद केजरीवाल जी देना ही नहीं चाहते, आम आदमी पार्टी के विधायक देना ही नहीं चाहते। एक वीडियो भी है इसके साथ साथ, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, प्लीज प्ले वीडियो। एक दिन का हल्का सा बूंदाबांदी हुआ है और बूंदाबांदी के बाद का हाल है। सरकार की हकीकत, उसके कारनामे, और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए, इसी सच्चाई को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जनता के सवालों से और हम सबके भी सवालों से भाग रहे। आप देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार इधर उधर की बात करने में लगी है, न पानी की बात कर रहे हैं, न बस की बात कर रहे हैं, न प्रदूषण की बात कर रहे हैं, न कॉलेज, न फ्लाईओवर, न सड़कों के गड्ढों की। दिल्ली सरकार के किसी भी काम की बात करने से ये क्यों छिप रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और हम केजरीवाल जी को, दिल्ली सरकार को हिसाब किताब देने पे मजबूर कर देंगे। ये सोचते हैं कि ये छुप करके बातों को घुमा करके बच जाएंगे, तो मैं समझता हूं ये आम आदमी पार्टी सरकार की बहुत बड़ी भूल है। हम इनको मुद्दे से बच के भागने नहीं देंगे, हमारे दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आज सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जी ने ये मान लिया है कि उनके पास जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं है? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ने मान लिया है कि उनके पास जनता के पूछे गए सवालों का जवाब नहीं है? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी सवालों से जो भाग रहे हैं, कल मैंने उनसे एक सवाल पूछा, हालांकि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था, तब मैंने उनसे सवाल पूछा, और मेरे एक सवाल का जवाब मैंने उनसे ही पूछा, इतना ही पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपने पिछले 5 सालों में दिल्ली की जनता को प्रति घर आपने क्या फायदे दिए हैं? इतना ही मैंने सवाल पूछा।
उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि मैंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल में जो भी करने का क्लेम कर सकती है करे, हम अगले 5 सालों में मिनिमम उसका 5 गुना करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मेरे उस सवाल का जवाब देने में इनको 24 घंटा लग गया, और जब जवाब दिए तो दिल्ली की बात नहीं कर रहे, कहीं यूपी की बात कर रहे, कहीं हरियाणा की बात कर रहे हैं, कहीं निगम की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये चुनाव किस चीज का है? माननीय मुख्यमंत्री जी, निगम का चुनाव हो चुका है भाई साहब, और दिल्ली की जनता का जब जो उसमें चुनाव था तो आप ये सारी बातें कह चुके हो, और दिल्ली की जनता ने जिसको चुनना था चुन लिया था। उसमें दिल्ली की सरकार का चुनाव है, आप इस सवालों से बचे मत, इसको जरूर इसका जवाब दें। और आज मैं एक निश्चय किया हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन अगले 10 दिन तक हम एक एक सवाल उनसे पूछेंगे, क्योंकि सवाल जिससे पूछा जाए ना उसकी मानसिक क्षमता भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि एक सवाल जब हम पूछे तो 24 घंटे में जवाब आया, तो हम ज्यादा लोड नहीं देंगे उनके ऊपर, जितना कैपेसिटी है उसी हिसाब से पूछेंगे, इसलिए एक दिन में एक ही सवाल पूछेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू मेक मोर लोड ऑन चीफ मिनिस्टर। तो मैं 10 सवाल पूछूंगा 10 दिन में, और उनसे प्रार्थना होगी कि हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो, ताकि दिल्ली की जनता को अपना निर्णय लेने में आसानी हो। और हमारे दिल्ली की जनता और नगर निगम के कर्मचारियों का एक सवाल है जो मैं आज पूछ लेना चाहता हूं, एक सवाल है जो आज से मैं कर देता हूं, कि दिल्ली के निगम का 20,000 करोड़ रुपया चुराने वाला चोर कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान में जो 15-20 दिन 40-30 दिन और रहेंगे, आप जवाब दें कि निगम के 20,000 करोड़ रुपया जिससे सफाई कर्मचारियों को, टीचर्स को, सभी एम्प्लॉइज को, व्यवस्था को, जो काम में लगने वाला था, वो 20,000 करोड़ रुपए का चोरी हुआ है, वो चोर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी प्लीज बताएं। थैंक्स फॉर टुडे। हमारे साथ रमेश विदुड़ी जी हैं, कपिल मिश्रा जी हैं, नीलकांत बख्शी जी हैं, अगर आप कुछ सवाल लेना चाहते हो तो ले सकते। रिकॉर्ड कह रहा हूँ, केजरीवाल ने 450 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, RTI में 279 हैं, RTI की रिपोर्ट में। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, केजरीवाल या तो राजनीति छोड़ दे वरना हम छोड़ देंगे। दिखाएं 450, दूसरा कभी कहा ही नहीं है। हाँ, वो झूठों का बादशाह है, वो ऐसे ट्वीट करता रहता है, वो चेले चपाटे ऐसे करते रहते। तो एक हमारा सवाल, एक रमेश जी का सवाल, अरविंद केजरीवाल जी आपके पास है 48 घंटे। थैंक यू सो मच।